अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूर के बारे में बताऊंगा जिसको देखने के बाद और समझने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी इसी तरह का रिएक्शन दूंगा। इस वीडियो में आपको की मैपिंग करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ शॉर्ट की को मॉडिफाई करना सिखाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने जब भी बात की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप फर्ज करें कि एक शॉर्ट की है जो है कंट्रोल सी और ये यूज होती है कॉपी के लिए, तो आपको सबको पता होगा एक बेसिक सी शॉर्ट की है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मॉडिफाई करेंगे एंड इसको चेंज कर देंगे आर्ट प्लस सी पे या फिर कोई और की पे। तो इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन एंड की मैपिंग। तो शॉर्ट कीज़ को मॉडिफाई करने के लिए हमें जिस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, इस टूल का नाम है पावर ड्राई। ये टूल आपको हर विंडोज़ में मिल जाएगा और हर विंडोज़ में वर्क भी करता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अब इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लें, नहीं तो आपको क्रोम में जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है तो मैं सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखूँगा पावर टॉयज एंड एंटर करूँगा। तो यहाँ पे पहली वो होगी एप्लीकेशन होगी, ये है अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि इसमें वायरस होगा तो कोई मसला होगा, तो इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। यहाँ से अपने को इंस्टॉल कर लेना है, 50 MB की फाइल है। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल होने के बाद ये खुद ही लॉन्च हो जाएगा। अगर लॉन्च ना हुआ तो आपको क्या करना है, अपने सर्च बार में आना है। सर्च बार में आने के बाद आपको अपने जो पावर टॉयज पे राइट क्लिक कर देना है। मैं एक बार सर्च बार आपको ओपन करता हूँ एंड यहाँ से आपको उसको राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे ऑन करना है। यहाँ आपको ध्यान करना है, आप उसको नॉर्मली मोड पे बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, आपको उसको ऑन करना है एडमिनिस्ट्रेटर मोड पर। तो मैंने इसको अब यहाँ पे मैं इसको परमिशन दे देता हूँ यस की, एंड यस के परमिशन देने के बाद ये ओवरव्यू ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर मोड का जो ऑप्शन है ऑलवेज रन एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे, यहाँ पे आपको इसको ऑन कर देना है। एंड ऑन करेंगे तो ये जब भी ऑन होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर मोड भी डायरेक्टली ऑन होगा, इसको बार बार आपको राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं करेगी। आप जिसको जैसे ही ऑन करेंगे नॉर्मल मोड पे भी, तब भी ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे ऑन होगा। तो उसके बाद अब मेन काम आ गया, हमारा कीबोर्ड मैनेजर पे आना है जहाँ पे हम अपनी जो शॉर्ट की है इनको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रिमैप अ की और एक रिमैप अ शॉर्टकट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिमैप अ की में हम की को मॉडिफाई करेंगे, की को हम लोग रिमैप करेंगे, और जो शॉर्टकट्स है यहाँ पे हम शॉर्टकट को मॉडिफाई एंड रिमैप करेंगे। सबसे पहले आपको की को रिमैप करके दिखा देता हूँ। तो मैं की पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक फिजिकल की एंड मैप की का। फिजिकल की में हमें वो की लिखनी होगी जिसको जो है हम मॉडिफाई करने के बाद जो हम की सिलेक्ट करेंगे तो हमें वो की लिखनी पड़ेगी। जैसे कि डिलीट की है जो कि वर्ड को डिलीट करने के लिए काम आती है, तो हम डिलीट की जगह 1 लगाएंगे ताकि ये भी डिलीट की तरह काम करे। तो फिजिकल की पे हम लोग 1 लिख सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी अपनी की होगी जो हम खुद बना रहे हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं 1 सेलेक्ट करूँगा। एंड मैप की में जाने के बाद मैं डिलीट की को ढूंढूंगा, तो मैं जल्दी से देता हूँ डिलीट की को ढूंढता हूँ। तो ये डिलीट की आ गई हमारी, एक सेकेंड फिर नीचे जाना पड़ेगा हमें, इसमें आपको थोड़ा सी कीज ढूंढनी पड़ेंगी, बाय द वे आपको मिल जाएंगी जल्दी से। ये किधर गई, ऑल्ट प्लस बैक, ये आ गई हमारी डिलीट की। तो डिलीट की को सेलेक्ट कर देंगे एंड ओके कर देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू एनी वे कर दें। अब मैं यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसके लाइव दिखा सकूँ कि ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन हो गया है। विंडोज प्लस आर दबा देता हूँ और नोट पैड ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे नोट पैड आ गया हमारा। अब नोट पैड में अगर मैं टाइप करूँ अब्दुल अहद AVDOLAHAD एंड मैं यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं डिलीट की दबाऊँगा तो कर रहे हैं कि ये एल को मिटा रहा है, अगली वो जो वर्ड है उसको मिटा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं 1 दबाऊँगा तो ये मिटाएगा, आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने 1 दबा रहा हूँ और डिलीट दबा रहा हूँ तो दोनों वर्क कर रही हैं। तो मैं वापस से ए पे आ जाता हूँ, 1 पे, तो आप देख सकते हैं ये असल में वर्क कर रहा है। तो जल्दी से इसको मिनिमाइज कर देते हैं एंड इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है रिमैप अ शॉर्टकट। तो रिमैप अ शॉर्टकट में हम जो है ना शॉर्टकट को रिमैप करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस में क्लिक करूँगा
एंड यहाँ पे मैं अपनी की सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे कंट्रोल सी को मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल को सेलेक्ट कर लेता हूँ नंबर वन पे, सॉरी आर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा आर्ट किधर है, ये आ गया आर्ट, और ये रहा आर्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड दूसरे खाने में जो आपकी जो दूसरी की होगी, जैसे कि मैं के को सेलेक्ट कर लेता हूँ, के ये रहा के, केक को सेलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे अब मैप्ड की में हमें ओरिजिनल की डाल देनी है, जैसे कि कंट्रोल, एंड जाते हैं थोड़ा सा नीचे, कंट्रोल को ढूंढते हैं, थोड़ा सा वेट, ये आ गया हमारा कंट्रोल। कंट्रोल को सेलेक्ट करने के बाद दूसरे खाने पे हम सी को सेलेक्ट करेंगे, तो सी आ रहा है, ये रहा सी, एंड एंटर करेंगे एंड दोनों ओके करेंगे। यहाँ पे भी ये ऑन हो गया, ये सही हो चुका है। अब मैं आपको वापस नोट पैड ओपन करके दिखा देता हूँ। नोट पैड, आ गया हमारा नोट पैड। अब यहाँ पे मैं कोई लिख देता हूँ नाम वापस से, अब्दुल अहद, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, अहद, यहाँ पे मैंने एक बार एक लाइन लिख दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ये जो ऑनलाइन स्क्रीन कीबोर्ड है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अब मैं इसकी मदद से आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस दोनों के लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोल दबाया प्लस सी दबाया, तो ये कॉपी हो गई, सही हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। थोड़े से मैंने ज़रा मिटा दिया है, तो यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एंड जो हमारी की थी वो थी आर्ट प्लस के, तो मैं आर्ट दबाऊँगा एंड देन के दबाऊँगा, तो ये कॉपी हो गई होगी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी दबाऊँगा, तो ये वापस से पेस्ट हो रही है, आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो रही है, यानी कि हमने जो की मॉडिफाई की थी ये वर्क कर रही है। तो जल्दी से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको भी डोंट सेव कर देते हैं। अब आगे हम वापस अपने पावर ट्राई टूल पे, यहाँ पे डिलीट करनी है कि आपसे कोई गलती हो गई है फिर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वापस उस जगह पे जाना होगा जहाँ से हमने इसको मॉडिफाई किया था। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली डिलीट कर देना है और ओके कर देना, तो आपकी जो की होगी वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शन हैं, जो कि हर तरीके से अपने से एक से बढ़ के एक ऑप्शन है। अगर मैं इस पावर ट्राई टूल के बाकी के जो ऑप्शन है इन पे वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी घंटे की वीडियो बन जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इन ऑप्शंस के लिए इंशाल्लाह मैं नई वीडियो लेके आऊंगा और हर ऑप्शन के लिए एक अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आपको हर ऑप्शन अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यार जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरह की वीडियोस आपको रोज़ाना मिलेंगे इंशाल्लाह। तो भाई नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मेरी जो लैपटॉप की बैटरी है वो भी लो हो गई है।